पिताश्री कंस्ट्रक्शन लाए हैं खुशियों की सौगात। जी हाँ, अब बनाए अपने सपनों का घर पिताश्री कंस्ट्रक्शन के साथ बेहतर गुणवत्ता और उचित दामों पर। आज ही संपर्क करें 7415985877। सागर के रतौना कसाई खाना विरोधी सत्याग्रह के नायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब्दुल गनी के नाम पर 14 करोड़ की लागत से सागर के डॉक्टर हरि सिंगौर विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में बने स्टेडियम का गुरुवार को लोकार्पण किया गया। अब्दुल गनी खान स्टेडियम लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विभाग के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी भी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने की। कार्यक्रम में रतौना आंदोलन के नायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब्दुल गनी खान के परिवार के सदस्यों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब्दुल गनी के परिजनों ने स्टेडियम का नाम अपने पिता के नाम पर रखे जाने पर आभार व्यक्त किया। मैं सागर से 4 बार सांसद रहा। इलिमिनेशन के बाद मैं टीकमगढ़ गया। वो 4 बार यहां से, 3 बार वहां से लगातार लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरी इस यात्रा में सागर के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी का मुझे साथ मिला। वो प्रेरणा मिली, उत्साह मिली, ऊर्जा मिली कि जीवन में कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ा। गौर जी को मैं इसके लिए पहले से प्रयासरत हूँ, आगे फिर अपने कदमों को तत्परता से बढ़ाऊंगा। यहाँ पर है वो भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी क्योंकि वो अभी तक कवर नहीं हुई। इसमें 12,500 स्क्वायर मीटर का इसमें एरिया है। टोटल करीब 14 करोड़ की ये बिल्डिंग है और इसमें जो सुविधाएं हैं, वीआईपी लाउंज है, एक बहुत बड़ा मल्टीपर्पज हॉल है, प्रेस का एरिया है, अलग जगह लड़कियों और लड़कों के तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, डिसेबल टॉयलेट्स भी हैं फिजिकली हैंडीकैप के लिए। डायरेक्टर का ऑफिस है, असिस्टेंट डायरेक्टर का ऑफिस है, एग्जीक्यूटिव ऑफिस है। सागर से आदर्श दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।